दिसंबर 2017 में भाजपा के एक नेता जो इस देश में यूनियन मिनिस्टर भी हैं, खुलेआम मंच से उन्होंने एक बात बोली थी कि मोदी की सरकार आई है इस देश के संविधान को बदलने के लिए। अभी हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया है कि अगर कोई हिंदू और मुस्लिम लड़का साथ में हो, लड़की लड़का, तो मुसलमान लड़के का हाथ काट देना चाहिए। हमको याद है जिस जंतर मंतर पे हम यहाँ मौजूद हैं, आज से 6 महीने पहले इस जंतर मंतर पे खुलेआम संघियों द्वारा हमारे देश के संविधान को जलाने का काम किया था। और वो तमाम लोग जो हर किसी को जो मोदी का विरोध करते हैं, जो संविधान के पक्ष में बात बोलते हैं, उनको देश विरोधी बोलते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं, उन तमाम लोगों ने जो संविधान जलाया, उन सब लोगों का संरक्षण किया। पिछले 4.5 साल में जब से यह सरकार आई है, अगर एक एजेंडा इस सरकार का है तो है इस देश के संविधान को खत्म करना। जो संघ के दिल की बात है वो अनंत कुमार हेगड़े के मुंह में तो दिसंबर 2017 में आ गई थी। आप पिछले 4 साल का ब्यौरा उठाइए, कभी दलितों पे, कभी मुसलमानों पे, कभी पिछड़ों पे, कभी अति पिछड़ों पे, कभी महिलाओं पे, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, हर एक अफवाह फैला के उन पे हमले किए जा रहे हैं, भीड़ द्वारा मारा जा रहा है, जेलों में फर्जी मुकदमे लाके बंद किया जा रहा है। और अब तो नीतिगत तौर पे ये 13-point roster लाके और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों का लाके वो नीतिगत तौर पे ये संदेश दे रहे हैं कि दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को हम उच्च शिक्षा से बाहर रखेंगे। जिस तरीके से मनुस्मृति में लिखा है कि आपका शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, वही मनु के कानून को फिर से लाएंगे। वो नहीं चाहते कि अब जो इस देश के मेहनतकश लोग हैं, जो इस देश में मेहनत करते हैं, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, जिनके बतौर ये देश चलता है, वो लोग शिक्षा में आए। हर 5 दिन में एक दलित की मौत होती है गटर के अंदर, वो गटर साफ करता है। जो लोग गटर साफ करते हैं, भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि वो गटर से निकल के विश्वविद्यालयों में आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगता है और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गटर साफ करना, मैला ढोना एक आध्यात्मिक काम है। तो मैं नरेंद्र मोदी से एक बात बोलना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है गटर साफ करना एक आध्यात्मिक काम है, तो इस आध्यात्म का मजा आप लीजिए, हम गटर में नहीं उतरेंगे। आप बहुत आध्यात्मिक आदमी है, आपका संगठन आरएसएस बहुत आध्यात्मिक होने का दावा करता है, तो उसको गटर में उतारिए, हम लोग विश्वविद्यालय में जाके उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। एक बात बोलने आए हैं, सामाजिक न्याय पे हमला आपकी ताबूत में आखिरी कील होगा। अब कोई एकलव्य नहीं मरेगा, कोई एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, कोई रोहित नहीं मरेगा। और जहां तक आने वाला चुनाव है, जिस चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है कि इस देश का संविधान किस तरीके से रहने वाला है इस देश में, तो ये चुनाव जो मीडिया के कर्मी बोलते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, मोदी और राहुल गांधी के बीच का चुनाव है, या फिर मोदी और महागठबंधन के बीच का चुनाव है, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये मोदी और राहुल का चुनाव नहीं, ये अंबेडकर और गोलवारकर का चुनाव है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत के बीच की लड़ाई लड़ने वाले लोग, और वो तमाम लोग जो सावरकर, गोलवारकर और मनु के चेले हैं, उनके बीच का चुनाव है। जैसे 47 में बाबा साहब अंबेडकर की जीत हुई थी, 2019 में और आगे भी वही बाबा साहब अंबेडकर के सपने वाले भारत की जीत होगी। उस भारत के लिए हम लड़ेंगे और सही मायने में इस देश में लोकतंत्र साबित करेंगे। आप तमाम लोग आए, इस गुस्से को जिंदा रखना है और इनको इनकी सत्ता से उखाड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।